अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। मैं आज आपको अपने चैनल फूड ब्रेक पर वेलकम करती हूं। व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ट्राई करके बहुत ही चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे पकौड़े हैं, समोसे हैं, रोल हैं, दही बड़े हैं, चाट हैं, डिफरेंट किस्म की चना चाट हो गई, भेल पूरी है, डिफरेंट चीज़ों के साथ पानी पूरी है, गोलगप्पे हैं, इस तरह के डिफरेंट चीज़ों के साथ आप ये चटनी सर्व कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसके लिए मैंने जिन अज्जा का इस्तेमाल किया है वो आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप इमली का गाढ़ा पल्प लिया है, 3/4 कप मैंने शुगर ली है, दानेदार चीनी, लहसुन मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है, हवन दस्ते की मदद से इसको कूट लिया है मैंने। साथ में मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून क्रश चिली, नमक 1/4 टीस्पून से ज़रा ज़्यादा है, 1/2 टीस्पून से कम है, क्रश ज़ीरा है, ज़ीरे को भून के क्रश कर लिया है मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून, साथ ही में सौंठ जाएगी 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अब हमें एक पैन में शामिल करके यहाँ कुक करना है। व्यूअर्स, तमाम चीज़ें हम इस पैन में शामिल करेंगे, इमली का पल्प और बाकी की तमाम मसाले, और हम इस चटनी को गाढ़ा होने तक 10 मिनट पकाएंगे। व्यूअर्स, अब मैं यहाँ हल्का सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह कुक करूँगी। 10 मिनट तक मैं इस चटनी को पकाऊँगी और जैसे ही थिक होगी आपको दिखाते हैं। तोड़ना नहीं बेटा, अभी धनिए को तोड़ना नहीं, वो अलग रेसिपी की। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये चटनी कुक हो रही है हमारी अच्छी तरह। जब ये थिक हो जाएगी, शुगर मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आपने खड़े रह के 10 मिनट पकानी है धीमी आंच पर। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार होती है। व्यूअर्स, यहाँ इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है और कितनी अच्छी इसकी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। व्यूअर्स, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, साइडों में बबल बनना शुरू हो गई है, हमारी चटनी तैयार हो गई, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं हमारी इमली की ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है और इतने कम इन्ग्रीडियंट्स में इतनी सारी चटनी तैयार हो गई है। ये मैं यहाँ खाने के लिए यूज़ करूँगी और मैं यहाँ इसको फ्रीज़र कर रही हूँ। इसको आप देख सकते हैं इस डिब्बी में मैं डाल के और फ्रीज़ कर लूँगी इसको। आप जब ज़रूरत हो आप निकाल के इसको इंजॉय कर सकते हैं। डिफ्रोस्ट आपने मार्बल पे ही छोड़ देना है, जब आपको यूज़ करना हो आपने कुछ घंटे पहले निकाल के रख दिया बाहर और इंजॉय किया किसी भी चीज़ के साथ। व्यूअर्स, आई होप आज की ये रेसिपी आपको झटपट बनने वाली ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मज़ेदार रेसिपी आप सीख सकें। अगली रेसिपी के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे व्यूअर्स, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।